हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद नितारा। आज का हमारा टॉपिक है कर्सिव राइटिंग, कि छोटे बच्चों को कर्सिव राइटिंग कैसे सिखाई जाए। अल्फाबेट सिखाने के लिए तो हमें सिर्फ 2-3 लाइनें सिखानी पड़ती है बच्चों को, कि हम स्टैंडिंग लाइन कैसे बनाते हैं, स्लीपिंग लाइन कैसे बनाते हैं, और बच्चा वो सीख भी जाता है। जो मुश्किल आती है वो होती है कर्सिव राइटिंग में, क्योंकि कर्सिव राइटिंग जो होती है उसमें काफ़ी मूव करने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी बेटर होगा कि हम बच्चों को लाइंस बनाना सिखाएं उसमें भी, क्योंकि जितनी बच्चा लाइंस में प्रैक्टिस कर लेगा, लाइन बनाने में प्रैक्टिस करेगा, उतने ही जल्दी उसे कर्सिव राइटिंग समझ में आएगी। तो लाइन बनाने के लिए हम चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को सिखाएं कि उनका जो हाथ है वो अच्छे से मूव करें। पहले उन्हें एक प्लेन पेपर दीजिए और पेन दीजिए, उस पर आप उन्हें बच्चों को सिखाइए कि किस तरह से अपने हाथ को मूव करना, धीरे 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 मूव करना उन्हें सिखाइए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना कि ऐसे लाइन बनाएं, फिर एक छोटा सा कर्व बनाएं, फिर हम स्लांटिंग लाइन बनाएं, फिर हम कर्व बनाएं। इस तरह से बच्चे की जो है स्पीड धीरे 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 बढ़ेगी। इसी तरह से आप उन्हें सिखाइए। इससे हम क्या सीखेंगे, ये हमारा सी बनाने में, ई बनाने में, आई बनाने में, इन चीज़ों में काम आता है। इस तरह से बच्चों को बस एक बार पेन दीजिए और उन्हें कह दीजिए अपना पेन ना उठाएं, अपनी पेंसिल को ना उठाएं और उसे बनाते चलें। एक बार गलत बनाएगा, दो बार गलत बनाएगा, लेकिन तीसरी बार वो ठीक बनाएगा। और जितना हाथ जो है मूव करेगा बच्चे का, उतनी ही उसकी प्रैक्टिस होगी। तो इस तरह से आप लाइनें बनानी सिखाइए बच्चों को। आप बच्चों को 3-4 तरह की लाइनें सिखाइए जो उसमें यूज़ कर्सिव राइटिंग में हमारी यूज़ होगी। जैसे इससे हम सी बनाना सीखेंगे, यू बनाना आएगा हमें इससे, ऐसे ही कि देखिए इस तरह से लाइन बनाना सिखाइए बच्चों को कि हम इसे सर्कल में आएंगे और इसे यहाँ से टर्न करेंगे। फिर इस तरह से बच्चों को आप बनाने को दीजिए और धीरे 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 बच्चा सीख जाएगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेगा लाइनों की, उतनी ही जल्दी वो कर्सिव राइटिंग लिखना सीख जाएगा। अब इन लाइनों की प्रैक्टिस कराइए उन्हें, तो वो जल्दी से पिक करेंगे इस चीज़ को। इसी तरह से आप लाइनें बनवाइए बच्चों से, ये देखिए इससे हम यू बनाना, वी बनाना, ये सब सीखेंगे। तो बच्चों को ज़रूरी है कि पहले ये लाइनें आनी चाहिए बनाने। जब बच्चा इन लाइनों को बनाने में परफेक्ट हो जाएगा तो वो कर्सिव राइटिंग बहुत जल्दी बनाएगा। ये देखिए आप इस तरह से उन्हें बताइए कि वो प्रैक्टिस करें। ये देखिए आप देख रहे हैं, इससे हम एस बनाना सीख सकते हैं, ई बनाना आएगा हमें इससे। इस तरह से बच्चों को आप लाइनें सिखाइए ताकि वो जल्दी से बनाना सीखे। जब बच्चों का हाथ इस पर परफेक्ट हो जाएगा तो वो कर्सिव राइटिंग में जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। आप इस तरह से दीजिए, अगर बच्चे को नहीं मूव हो रहा हाथ तो फिर आप उन्हें डॉट लगा के दीजिए। डॉट लगाकर फिर उन्हें मिलाना सिखाइए उसे, फिर वो सीखेगा। ये देखिए, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से बच्चों को डॉट्स लगा के दें। अगर बच्चा अपने आप नहीं कर पाता इस तरह से, मतलब हाथ नहीं उठा पाता, तो आप उन्हें डॉट बना के दीजिए। आप इस तरह से उन्हें डॉट बना के दीजिए और फिर उस पर कंटिन्यू पेंसिल चलाए अपनी, वो चाहे आप स्लेट पे कराइए प्रैक्टिस, लेकिन पहले आप उन्हें लाइनों की प्रैक्टिस कराइए ताकि उनका हाथ जो है अच्छे से मूव हो। इस तरह से डॉट लगा के दीजिए आप उसे और फिर इसे इस तरह से मिलाने के लिए कहिए। देखिए अपने आप शेप आएगी इसमें। जब बच्चा डॉट से मिलाना सीख जाएगा फिर आप उन्हें वैसे ही सिखाइए कि चलो अब आप अपने आप बना के दिखाओ इस लाइनों को, इन लाइनों को इस तरह से। इसी तरह से आप ऐसे डॉट्स बना के दीजिए दूर दूर से। इस तरह से आप बच्चों को डॉट्स बना के दीजिए। पहले आप फुल डॉट्स बनाइए फिर हाफ में बनाइए, जैसे मैंने बनाई है। पहले मैंने फुल डॉट्स बनाई थी और फिर डॉट्स मिलाई थी सारी। इस तरह से अब आप हाफ डॉट बनाइए इस तरह से। आप यूं डॉट बनाइएगा और फिर आगे आप उसे कंप्लीट करने के लिए दीजिए कि बच्चा इसे यहाँ से फिर अपने आप कंप्लीट करेगा। इसी तरह प्रैक्टिस होगी बच्चे की। जब ये आ जाएगा फिर वो अपनी
कर्सिव राइटिंग जो है वो बनानी सीख सकता है, लेटर्स स्मॉल लेटर किस तरह से बनाए जाते हैं वो सीखता है। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगी, बुक भी आती है राइटिंग सीखने के लिए, ऐसी तरह से लाइनें बनाने के कर्सिव राइटिंग के लिए लाइनों वाली बुक्स भी आती है। मैं आपको उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से ही बुक परचेज कर सकते हैं। देखिए जब बच्चे को ये सब आ जाएगा ना, फिर इसके बाद हम उन्हें लेटर सिखाएंगे कि स्मॉल लेटर किस तरह से लिखते हैं। तो पहले आप उन्हें ये प्रैक्टिस कराइए अच्छे से कि वो लाइनों की प्रैक्टिस करें, ऐसे ही डॉट लगा के देते जाइए, बन बच्चा सीख जाएगा जल्दी। इसी तरह से सारी डॉट्स जो हैं आप बच्चे को इसी तरह से दीजिएगा, जब बच्चा ये सीख जाए फिर आप लेटर शुरू कर दीजिए बनाना। ये देखिए ऐसे हाफ, ऐसे इस तरह से आप हाफ में दीजिए और आगे बच्चे को कहिए कि आप इसे अपने आप कंप्लीट करें। पहले आप फुल डॉट्स दीजिए फिर हाफ करते जाइए उसको, इससे बच्चा जो है जल्दी जल्दी सीख जाएगा। ये देखिए इस तरह से बच्चे को बनाने आ जाएंगे। आप इस तरह से बच्चों को लाइनें बनाइए और उन्हें सिखाइए। आप कुछ भी बना के दे सकती हैं, लाइक क्लाउड दे सकती हैं बच्चों को बनाने के लिए कि चलो आप क्लाउड बनाओ, तो आप क्लाउड से भी बच्चा जो है लाइनें बनाना जो है सीख सकता है। ट्री बना के दीजिए, कुछ भी दीजिए उन्हें। कर्सिव राइटिंग के लिए यही है कि जितना बच्चे का हाथ मूव होगा उतना ही बच्चा जल्दी से लिखना सीखेगा कर्सिव राइटिंग को। अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको कर्सिव राइटिंग सिखाएंगे कि वर्ड्स जो है किस तरह से बच्चा इजी से बना सकता है। थैंक यू, बाय।